संधि का जो संधि सूत्र होता है वो आद्गुण होता है, और जो ये कहा कि इसका जो गुण संधि का इसका जो संज्ञा सूत्र क्या है, तो ये आपका हो जाता है अदेंग गुण होता है, ए अदेंग गुण, रुक जाए एक मिनट, अदेंग गुण होता है, यानी गुण संधि का जो संज्ञा सूत्र था अदेंग गुण, और जो इसका विधि सूत्र था आद गुण होता है। क्या है अदेंग गुण? अब देखिए, गुण संधि पढ़ने से पहले इसको हमको जानना पड़ता है कि अदेंग गुणे को पहले अलग किया जाए। इसमें आएगा आपका ए अदेंग, इसको तोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका अत प्लस आपका ए एंग हो गया, एंग हो गया। अब इसी अत में से हम इसको अ को लेंगे, और एंग एक प्रत्याहार था ए, इसके बाद ओ, यही हमारे गुण संज्ञक वर्ण है, इसी को हम कहते हैं गुण संधि। अब इसके बाद देखिए क्या प्रक्रिया होती है, क्या कह रही है गुण संधि। गुण संधि ये कहती है, अगर मान लीजिए प्रथम पद के अंत में आपका ये अ हो चाहे तो आ हो, आ इसके बाद द्वितीय पद के प्रारंभ में ई हो या तो बड़ी हो, इन दोनों का जब मेल कराएंगे तो हमको यही ए पैदा हो जाएगा, जिसका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालब। अ का उच्चारण स्थान होता है कंठ, और ई का उच्चारण स्थान होता है तालब। यानी कि प्रथम पद के अंत में अगर आपका अ हो चाहे दीर्घ आ हो, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका आपका ई या बड़ी हो, इन दोनों का जब मेल संहिता कराएंगे तो हमको ये कंठ ताला भी ये आ जाता है, इसी को गुण संधि कहते हैं। फिर एक शर्त और इसमें और होती है कि मान लो प्रथम पद के अंत में आपका जो अ हो चाहे दीर्घ आ हो, और इसके बाद आपका ये ऊ कर दीजिए चाहे तो बड़ाऊँ, अब इन दोनों का जोड़ देंगे तो ही बन जाएगा आपका ओ, यानी ओ, यही गुण संधि चल रही है। अब इसके बाद ये गुण संधि हमारी इतना ही, क्योंकि अदेंग गुण दो ही वर्ण का उल्लेख कर रहा है ना, अ और इसके बाद ई और उ का। तो अब इसके बाद अब जो एक सूत्र आता है उरण रपर, ये उरण रपर सूत्र के अनुसार ही हमने उरण रपर सूत्र के ही अनुसार हम लोग लेते हैं एल ली लेते हैं, और इसके बाद आपका ए आपका री लेते हैं। तो इसमें यही ये भी बताता है कि प्रथम पद के अंत में अगर अ हो चाहे द्वितीय पद के प्रारंभ में आ हो, इसके बाद आपका ये री होगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपका यही अर बन जाएगा। अगर फिर कहा कि अगर प्रथम पद के अंत में अगर अ हो द्वितीय अ चाहे आ हो द्वितीय पद के प्रारंभ में ली होगा, तो इन दोनों के स्थान पर आपका ये अल हो जाएगा, यही है गुण संधि। तो इसकी परिभाषा, किताबी भाषा को हम जानेंगे। ये कहता है कि यदि अ अथवा आ के बाद ई या बड़ी आए तो ए हो जाता है, पहली बात मैंने बता दिया। फिर कहा यदि यदि उ या दीर्घ उ आवे, इन दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है। फिर कहा और यदि री या दीर्घ री आवे, इन दोनों के स्थान पर अर हो जाता है। और यदि ली आए तो ली के स्थान पर आपका ये अल हो जाता है, यही गुण संधि है। अब इसके बाद देखेंगे, इस उदाहरण को तोड़ेंगे। मैंने ले लिया उपेंद्र, अब पूछा भी गया था उपेंद्र में कौन सी संधि होती है मेरे प्यारे मित्रों, ये इसी का नाम तो गुण संधि। इसको तोड़ेंगे बन जाएगा आपका ये उप उप प्लस आपका हो गया ये इंद्र। अब प्रथम पद के अंत में प है, प में आपका हलंत है नहीं, तो इसमें निश्चित ये अ होगा, और द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका ए ई है, तब इन दोनों का जब मेल संहिता कराएंगे तो यही हमको मिल जाएगा, इसी को कहते हैं, यही कंठ तालब बन गया आपका उपेंद्र। उसी प्रकार एक और उदाहरण लेंगे, मैं लेंगे जैसे दिया सूर प्लस इंद्र, ये सूर प्लस इंद्र लिख दे रहा हूँ, ये सूर सूर प्लस आपका हो गया ये इंद्र। अब र में आपका अ छुपा है और इधर ई है, इन दोनों का मेल कराएंगे तो हमको यही ए बन जाता है, बन जाएगा आपका यही सुरेंद्र बन जाएगा। इसी प्रकार दे देंगे सुरेश है, सुरेश भी बन जाएगा। अब फिर दिया है आपका का कि तथा, तथा प्लस आपका हो गया ये इति।
आनी तथा में आपका ये दीर्घ आ है, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका छोटी है, सॉरी ये छोटी है, इन दोनों का मेल कराएंगे तो आपका यही ए बन जाएगा तथेति। फिर कहा कि रमा, रमा प्लस आपका ए ईसा ले लीजिए, रीसा, तो बराबर क्या हो जाएगा, रमेश। अब इसी तरह एक एक करके मैंने लिया कि गंगा प्लस उद्गम, मैंने ले लिया गंगा प्लस उद्गम बराबर हो जाएगा गंगोदकम, देव प्लस ऋषि कर दो देवर्षि हो गया। कैसे देवर्षि बना इसको फिर से पढ़ा जाए। मैंने लिखा देव, देव प्लस आपका हो गया ये ऋषि। अब इधर अ होगा, इसके बाद आपका ये री है, री। अब इन दोनों के स्थान पर करेंगे, ये अ बच जाएगा और री वर्ण का ये आधा र मिल जाएगा, यही और है। इसके बाद हम लिख देंगे देव, और बस ये जो ऋषि हो जाएगा ये स पर आकर जाकर उड़ंतुआ रखे रूप में आ जाता है, बन जाएगा आपका देवर्षि, देवर्षि सप्तऋषि, इस तरह के उदाहरण चलते हैं। फिर दिया कि देव प्लस ऋषि हो गया, फिर लिखे महा प्लस ऋषि, फिर पूछा कि महा प्लस ऋषि, मैंने लिखा महा प्लस आपका हो गया ये ऋषि। आ इधर आ होगा, अब इसके बाद आपका ये री होगा, इन दोनों के स्थान पर हो जाएगा वही अर, तो बन जाएगा महर्षि। सबसे कई बार पूछा गया तव प्लस लिकार, ये तव, तव प्लस आपका हो गया ये लिकार, लिकार। अब यानी प्रथम पद के अंत में आपका अ मिल गया, द्वितीय पद के प्रारंभ ली हो गया, इन दोनों के स्थान करो तो यही आपका अंत अल आ जाता है, तो बन जाए तवलकार, जो दिया है मैं ऑप्शनों में दिखा दे रहा हूँ, ये आपका ये तवलकार है। तो यही है आपकी गुण संधि, इसको अगर जो भी कमी होगी आप लोग कमेंट करते रहिएगा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे। फिर इसके कुछ गुण संधि के अपवाद होते हैं, एक कई कई बार परीक्षाओं में पूछा भी गया था क्या है गुण संधि का अपवाद, तो इसको जानिए। तो एक गुण संधि का अपवाद जो होता है, इसको जानने से पहले एक सूत्र पढ़ा जाता है, अच्छाद उहिन्याम उपसंख्यानम, ये वार्तिक, इसी को हम वार्तिकार कहते हैं, कि अच्छाद उहिन्याम उपसंख्यानम, अच्छाद प्लस उहिन्याम प्लस उपसंख्यानम, तो ये यही कहता है ये सूत्र कि अच शब्द से ओहिनी शब्द के शब्द परे, यानी अच शब्द, यानी अच हो प्रथम पद के अंत में, अच हो चाहे अच हो और द्वितीय पद के प्रारंभ में, ओहिनी शब्द के परे तथा पूर्व के स्थान पर वृद्धि एकादेश आदेश हो जाता है। एक बार फिर समझा रहा हूँ, जैसे मैंने कहा कि ये कहा कहता है ना कि प्रथम पद के अंत में आपका अच होना चाहिए, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका ये ओहिनी होना चाहिए। जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तब आप जानते इधर अ होगा, उधर आपका ये उ है, तब यहाँ पर गुण संधि न होकर यहाँ पर वृद्धि संधि का वो सूत्र आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका ओ, और यहाँ आओ कर देंगे, डबल झंडी जो होती है आओ कर देंगे, तो बन जाता है। देखिए जैसे दिया है कि अच प्लस ओहिनी, अच प्लस ओहिनी बराबर हो गया अछोहिणी, ए रुक जाए एक मिनट, अच्छ अच्छ प्लस आपका हो गया ए ओही नी ओहिनी। अब यहाँ उ है, इधर अ है, तो अब इसको ऐसे करो, अ प्लस आपका ए उ, इन दोनों को आदेश करें तो यहाँ पर आपका ओ न होकर आपका डबल झंडी वाला ए औ आ जाएगा, औ औ। आ जो न है, न को नो रसाणाम भ्याम, जैसे नो रसाणाम भ्याम सूत्र होता है, रसाभ्याम नोढ़ा सूत्र के अनुसार न को ड़ में परिवर्तित कर दिया जाता है, बन क्या जाएगा आपका अछोहिणी, अछोहिणी। ये बहुत बार पूछा गया था, अछोहिणी जो है गुण संधि का क्या होता है, अपवाद होता है। फिर एक सूत्र और आया है, वार्तिककार ने कहते हैं कि स्वादि एरिणो वार्तिक, स्वादि एरिणो वार्तिक, ये यही सूत्र कहता है कि जब स्व शब्द के बाद ईर या इरिन आते हैं तो उन आते हैं तो गुण न होकर वहाँ पर वृद्धि होती है। कहने का तात्पर्य यही हुआ कि अगर प्रथम पद के अंत में स्व होगा चाहे तो प्रथम पद के अंत में स्व होगा, द्वितीय पद के प्रारंभ में
आपका ये ईरीन होगा, ईरीन होगा। तब ऐसी स्थितियां जहां पर आएंगी, ऐसी स्थितियां आई तो यहाँ पर गुण संधि न होकर यहाँ वृद्धि का एकादेश होगा, जो ये गुण संधि का ही अपवाद माना जाएगा। तो यानी प्रथम पद में आपका व में अ छुपा है और द्वितीय पद के प्रारंभ में ई है, इन दोनों का जब मेल करें तो आप जानते हैं कि ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पर आई हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, ये स्वाध्यायरुण यही कहता है कि यहाँ पर ये ना होगा आई हो जाएगा, तो बन जाएगा आपका ये स्वैरह बनेगा। उसी प्रकार दे दिया, स्व प्लस ऋणी बराबर स्वैरिणी बन गया, स्व प्लस ईरी बराबर हो गया स्वैरी हो गया। इसको बहुत विशेष से देखिएगा, क्योंकि बहुत बार परीक्षा में आता है, अच्छे अच्छे लोग को धूल चटा देता है। फिर एक वार्तिक फिर आई है, दिया है इसमें कि प्राद उही ओढ़ ऐसु वेसु, यानी ये कहता है कि प्राद प्राध ऊह एढ़ ओढ़ ए सु। अब इसका मतलब ये होता है, थोड़ा सा संस्कृत शब्द है इसमें दिया कि जब प्र सम प्र के बाद ऊ या ऊढ़ या ऊढ़ी ये ऐसा और ऐसा आते हैं, तब गुण न होकर वहाँ वृद्धि होती है। यानी इसके कहने का मतलब होता है कि प्रथम पद के अंत में अगर आपका ये प्र उपसर्ग होना चाहिए, द्वितीय पद के प्रारंभ में आपका ये ऊ होगा, चाहे तो आपका उड़ होगा, चाहे तो आपका ये ऐसा होगा, ऐसा। यानी इन सब, यानी इतने उदाहरण अगर आएंगे तो वहाँ पर गुण संधि न होकर वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये वृद्धि संधि का ही सूत्र आएगा, लेकिन ये गुण संधि के अंतर्गत माना जाए। जैसे मैंने लिखा प्र प्लस उड़ी बराबर प्रोह, अब प्र प्लस उड़े बराबर प्रौढ़, मैंने फिर लिखा कि प्र प्लस ऊढ़ी बराबर प्रौढ़ी, प्र प्लस ये से बराबर प्रेस, प्र प्लस ये से बराबर प्रेस। ये जो पर रूप का अपवाद है, लेकिन यहाँ गुण संधि का अपवाद बन के रह जाता है। ये कई बेर परीक्षाओं में इसको थोड़ा गौर से देखेगा, क्योंकि ये आता है। इन चार उदाहरणों में से कोई न कोई जरूर पूछा जाए, प्र प्लस ऊ है बराबर प्रोह, प्र प्लस ऊढ़ है बराबर प्रौढ़, प्र प्लस ऊढ़ी बराबर प्रौढ़ी, प्र प्लस ये से बराबर प्रेस है, और प्र प्लस ए से बराबर प्रेस है। तो मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ प्र प्ल ऊ में हमने विसर्ग छोड़ दिया, इसको विसर्ग आप लोग समझते रहिएगा, यही है। फिर इसके बाद बस यही गुण संधि थी, गुण संधि के अपवाद थे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे मित्रों, आज के लिए इतने रहने दीजिए, नमो नमः।